आज महाराष्ट्र में नया साल शुरू होता है। हमारे कैलेंडर के मुताबिक आज नए साल का पहला दिन है। विदर्भ आज क्या कर रहा है? आज विदर्भ में पूरे दिन विदर्भ के लोग उपोषण कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? तो उस याद में, उस 36,000 किसानों की याद में जिन्होंने आत्म बलिदान किया, जिन्होंने खुदकुशी की, इसलिए कि उन्हें महाराष्ट्र में इंसान होने के हैसियत जीने का कोई हक बाकी नहीं रहा। वो जो अनाज पैदा करते हैं उस अनाज को कीमत नहीं मिलती, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र में कोई नौकरी नहीं रहती। वो जिस कोयले के खदानों में काम करते हैं, कोयला निकालते हैं, जिस कोयले से बिजली बनती है, जिस बिजली से बंबई जैसे शहरों में 24 घंटे रंगरेलियां लगती है, विदर्भ में 8 घंटों से 14 घंटे तक पावर कट होता है, लोड शेडिंग होता है, किसानों के पंप के लिए बिजली नहीं रहती और खेत में पानी देने के लिए पानी नहीं मिलता। जब हमने, मैं विदर्भ की बात कर रहा हूं लेकिन यही बात बोड़ो को लागू होती है और यही बात त्रिपुरा को लागू होती है, यही बात गुरखा को लागू होती है और यही बात बुंदेलखंड को लागू होती है, जब हमने 4 साल पहले भाजपा को महाराष्ट्र में चुन के आने के लिए मदद की थी तो खुले हाथ मदद की। विदर्भ के 60 सीट जो है उसमें से 40 सीटों में भाजपा को हमने चुन के दिया था। बोडोस की वही बात है, आसाम में जो चुनाव हुए उसमें बोडोस ने बीजेपी को चुन के लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपसू का और बीजेपी का गठबंधन था और एक साथ चुनाव लड़े गए थे। यही बात त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का पॉपुलेशन जो ट्राइबल का है, उन्होंने आज के हाल में जो सरकार बनी उस सरकार में भाजपा के लोगों को तो चुन के दिया, खुद के लोग भी चुन के आए, लेकिन सरकार किसकी बनी? तो भाजपा की सरकार बनी। आज देश में आप कहीं भी पूछो त्रिपुरा में किसकी सरकार है तो आपको जवाब मिलेगा भाजपा की सरकार है, त्रिपुरा की सरकार है ऐसा कोई नहीं बोलता। महाराष्ट्र में पूछो सरकार किसकी है तो भाजपा और शिवसेना की सरकारें बतलाई जाएगी, जबकि शिवसेना की विदर्भ में सिर्फ एक सीट चुन के आई, सिर्फ एक सीट। विदर्भ की सरकारें कोई नहीं बोलता। बंगाल का हिसाब भी वही है, गोरखा अलग राज मांग रहे हैं और कल तक मोदी जी की सरकार कह रही थी हम आपके साथ हैं। क्यों? इसलिए कि उनको गोरखालैंड पसंद है, नहीं उनको दुश्मनी निभानी है ममता जी से, इसलिए जो ममता का दुश्मन वो हमारा दोस्त। लेकिन जब टाइम आ गया रास्ते पे उतर के लड़ने का तो मरे कौन? गोरखा। भाजपा का एक भी आदमी नहीं मरा है साहब गोरखालैंड में, एक भी। यही स्थिति विदर्भ की है। काश्तकार मरे कौन? तो हमारे बच्चे, हमारे किसान मरे। पानी कहां गया हमारा? पश्चिम महाराष्ट्र में गया।
जैसे कि आप जानते होंगे विदर्भ में कॉटन बनता है, कपास बनता है। विदर्भ में जो फैक्ट्रियां थी कपड़ा बनाने की, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। सरकार ने बंद की, महाराष्ट्र सरकार ने कानून लाया जिसके बदौलत हमारे काश्तकार को कॉटन बिकने को बाजू के राज में ज्यादा पैसा दिया जाता था। हमारे कॉटन को तेलंगाना में ज्यादा पैसा मिलता था, मध्य प्रदेश में ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन यदि हमारा फार्मर उसका कॉटन का क्रॉप लेके तेलंगाना में बिकने जाए तो उसको गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाला जाता था। मैं खुद 4 बार इस सिलसिले में जेल में गया हूं। जब आपने कहा कि हम विदर्भ का राज देंगे, तब हमने पूरी मदद से आपको जिता के लाया। यही बात हमने आसाम में देखी, यही बात हमने त्रिपुरा में देखी, यही बात हम बुंदेलखंड में देखते हैं। नतीजा क्या हुआ? जैसे अभी किसी ने आपको उपहास से बतलाया, मन की बात सुननी होती है तो मोदी जी के मन की बात सुननी होती है, आपके और हमारे मन की बात को कोई स्थान नहीं रहता। जिस आदमी ने खुद को देश का प्रथम सेवक कहा, जिनके मुताबिक यदि वो सेवक है तो आम देश के आम मालिक आप और हम बनते हैं। हमारी सेवा के लिए वो प्रथम सेवक बने। आज के तारीख में चित्र इससे बिल्कुल विपरीत है। प्रथम सेवक प्रथम मालिक बने हैं और प्रथम मालिक प्रथम सेवक बने हैं। हम सब नौकर हैं इस दिल्ली के सरकार के। हम क्या मानते हैं वो कोई मायने नहीं रखता। हमें क्या चाहिए उसका कुछ मतलब नहीं होता। हमें जो भी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि दिल्ली को क्या चाहिए, और दिल्ली हमें बतलाती है कि हमें विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मैंने भी मेरे दाढ़ी के बाल कुछ सफेद कर दिए और एक हाथ से बोला सबका साथ सबका विकास, तालियां बजाओ, तो हमारे देश वाले लोग तालियां बजाते हैं। भैया विकास आपके दिमाग में जो फिट है वो विकास हमारा विकास नहीं है। आप यदि अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन बंबई तक चलाओगे तो ये विकास मेरा कहां से हुआ? अहमदाबाद के कुछ लोगों का शायद हुआ, बंबई के कुछ लोगों का शायद होगा, और अहमदाबाद के लोग आप जैसे आम लोग नहीं, किसी अडानी का होगा, और मुंबई के लोग आप जैसे हमारे समान आम आदमी नहीं, किसी रिलायंस के मालिक अंबानी का होगा। अपने लिए विकास का कोई मंत्र इस सरकार ने अपने मुंह से निकाला नहीं है। हमारे ही शहर के नागपुर के मंत्री गडकरी जी कहते हैं हर रोज देश में 20 किलोमीटर रास्ता बनता है। आपके यहां बना के नहीं मालूम, नहीं मेरे यहां तो नहीं बना कोई रास्ता। बनता होगा और कहीं, विकास होता होगा और किसी का, हमसे क्या मतलब है? हमने कौन सा पाप किया, हमने कौन सा गुनाह किया कि हमने बाकी लोगों के विकास के लिए आपको चुन के दिया? हमारा भी कुछ विकास है, हमारा भी कुछ बनता है। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, यदि हमारे देश में ईमानदारी से सारे देश का समान विकास होता, सबको 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती, सबके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई मिलती, सब जवानों को नौकरी मिलती, तो न हम यहां खड़े होते न आप वहां बैठे रहते।
हम राज क्यों मांग रहे हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं कि इस देश में एक वर्ग है, एक हिस्सा है जो आगे की ओर बढ़ते जाता है और एक हिस्सा है जो उतना ही पीछे की ओर घसरता है। जो आगे बढ़े सो जरूर आगे बढ़े, मुबारक हो, बधाई हो, लेकिन आगे बढ़ने वाले को यह ख्याल करना चाहिए कि कहीं तो भी नींव का पत्थर जो बनता है वो आपकी और हमारी लाशों से बनता है। हम मरते हैं इसलिए आप जीते हो, और जब हम मरते हैं तो हमारे जीवन को तो कोई कीमत नहीं मिली, लेकिन हमारे मौत की तो कीमत चुकाते जाइए। कम से कम हमारे अगले आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रोटी, कुछ कपड़ा, कुछ मकान, कुछ नौकरी, इसकी व्यवस्था करते जाइए। और यदि ये नहीं करनी है तो फिर क्यों आप हमसे कहते हो कि हम सबका विकास, सबका भला करने को आए हैं? क्यों आप हमसे कहते हो कि आप हमारे प्रधान सेवक हो? क्यों आप हमसे कहते हो कि हम आपके लिए ऐसा देश ले आएंगे जिसे देखते देखते आप चौंका जाओगे? ये सब झूठी बातें हैं साहब, हिंदी में जिसे जुमलेबाजी कही जाती है, ये सब जुमलेबाजी की बात है। जुमलेबाजी की बात किससे की जाती है? आपसे और हमसे, क्योंकि हम साधारण लोग हैं। हम आपके दांव पेच में लपेटे जाते हैं, हमें ठगाना बहुत आसान है। हम न तो बहुत पढ़े लिखे, न तो बड़े बड़े धंधा करने वाले, न तो हमारे पास किसी हीरो की फैक्ट्रियां लगी है, न तो हमारे पास हवाई जहाज की कंपनियां जो बंद पड़ी हमारी है। हम ऐसे लोग हैं जो रोज के खाने के लिए, दो वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब मैं कोर्ट में बहस कर रहा था बंबई में कुछ महीनों पहले, कोर्ट ने हमसे पूछा कि अरे साहब, विदर्भ के किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? और जो जवाब मुझे दिखा, जो मैंने कोर्ट को बतलाया, वो जवाब मैं आपको आज बतलाता हूं। विदर्भ के किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि उनके फसल को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, या तो बारिश नहीं हुई, या तो उनकी बहू बेटियों को शादी में कैसे जावे इसकी फिक्र है, या तो उनको बच्चों के लिए स्कूल में जगह नहीं है या नौकरियां नहीं है, इसलिए कोई आत्महत्या नहीं करता। किसान उस कारण आत्महत्या करता है कि वो कर्जा लेके 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 इस स्थिति में आ गया है कि अब कोई बैंक उसे कर्जा देने को तैयार नहीं, घर में पूरा खाना खत्म हो चुका है, एक पैसा पॉकेट में नहीं है, और उसकी बीबी और बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा कहीं से मांग के ले आओ खाने को कुछ, तो उसे शर्म आती है कि घर के बाहर जाए और फिर से एक बार अपने गांव में हाथ फेरे कि भैया कुछ खाने के लिए हमें दे दो। इस स्थिति में जब एक मर्द पहुंचता है, जब उसे दिखता है कि उसकी बीवी भूखी बैठी है, उसका बच्चे को खाने के लिए वो खाना ला भी नहीं सकता, लाचारी से मांग मांग के वो अपने बाजू वाले से मांगेगा जो उसके इतना ही गरीब है, जो किसी सेठ से मांगेगा वो सेठ कहेगा भैया आपको कर्जा दे दे के हमारा खत्म हो गया, हम आपको अब कुछ नहीं दे सकते। ऐसे आदमी को गांव में अपना मुंह दिखाने की शर्म आती है, उसे शर्म आती है कि अपने बीवी का चेहरा देखे, अपने बच्चों का चेहरा देखे, उसका दिल फट जाता है। सिवा मौत उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता, उसे मरना जरूरी हो जाता है। और यह स्थिति हमने और आपने
अपने खुद के भाइयों पर लाई, क्योंकि हमने ऐसे लोगों पर विश्वास रखा जिन्होंने कहा हम ये स्थिति बदल के देंगे। जब ये स्थिति बदलती नहीं है तब स्थिति बदलने के लिए विचार बदलना जरूरी हो जाता है। मैं आपके सामने NFNS के जरिए नया विचार रख रहा हूं। इस विचार का जिक्र मेरे से आए हुए लोगों ने किया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। विचार इसी बात का होना पड़ेगा कि अब स्थिति बदलने के लिए हमने क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कल मेरे भाषण में आपके कुछ लोगों से कहा, स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोलियां मत चलाइए, बंदूक खुद को उठा के गोली चलानी पड़ती है तब सामने वाले की स्थिति बदलती है। मैं खून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खून खराबे के बारे में बोल नहीं रहा हूं, मैं आपसे आपके बच्चों की जान नहीं मांग रहा हूं। वो दिन गए जब नेताजी जैसे कोई लीडर आके खड़े रहते थे और कहते थे आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। खून बहता है, बहाया जाता है, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो आखिरी दम के लिए रखा जाता है। आपको बदल यदि लाना है तो बदल लाने के लिए आपको अभी की सत्ता को उठा के फेंक देना होगा और खुद सत्ता में बैठना होगा। हम जब मालिक हैं तो वो जो प्रथम सेवक की कुर्सी है वो हमारी कुर्सी है, हमने वहां बैठना जरूरी है। भले ही वो विदर्भ में क्यों ना हो, भले ही वो कर्बी आंगलोंग जैसे छोटे से प्रदेश में क्यों ना हो, भले ही वो कुकी लैंड जैसे अति छोटे प्रदेश में क्यों ना हो, हमने हमारे यहां खुद का राज लाने की जरूरत है। अब ये बात आसान नहीं है, ये मैं समझता हूं। आप हमारे जैसी पॉलिटिकल पार्टी, चार चार छह छह महीने पुरानी पार्टियां हैं, हमारी पार्टी बन के हार्डली 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने हो रहे हैं। इलेक्शन लड़ते समय हम किससे लड़ रहे हैं इलेक्शन? सामने में कांग्रेस जैसी पार्टी है जो 100 साल से राज करते आ रही है, 100 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी जैसी पार्टियां हैं जो जनसंघ का जाने के बाद करीबन 50-60 साल से इस देश में मौजूद है। 5 महीने का बच्चा और 60 और 100 साल के बुजुर्ग, इनमें कोई लड़ाई नहीं हो सकती है, ये हम समझते हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि उनको जीत के लाने के लिए हमारी आस पकड़नी पड़ी थी, हमसे भीख मांगनी पड़ी थी, हमारे वोट लिए थे, तब कहीं जाके वो 40 सीटों पे चिन के आए। हम इलेक्शन लड़ेंगे भले जीते या हारे, एक बात तो साफ होगी, हमारा एक भी वोट आपको नहीं जाएगा। आप यदि सोचते हैं कि हमारे बदौलत दोबारा चुन के आएंगे और मोदी जी की सरकार 2019 से और 5 साल मन की बात सुनाते बैठेगी तो आप गलतफहमी में हैं। हम आपको दोबारा चुन के नहीं देंगे, हम जीते या हम हारे आपको दोबारा चुन के नहीं देंगे। ये एक तरीका होता है अपने प्रॉब्लम का विचार करने का, और दूसरा तरीका होता है जहां कहां, फिर वो ग्राम पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, जहां कहां चुनाव है हमारे लोग लड़ेंगे। ऐसी जगह चूज कीजिए जहां अपनी ताकत है, ऐसी जगह नहीं चूज कीजिए जहां अपनी ताकत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जरूर चूज कीजिए जहां अपनी ताकत है। और चुनाव लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं नहीं, नीरज बाबू जैसे कोई बुजुर्ग नहीं, चूंकि आपके प्रमोद बोड़ो जी हमसे बहुत ज्यादा जवान है,
लेकिन तभी भी उनके उम्र के लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो नया खून चुनाव लड़ेगा, यंग लोग चुनाव लड़ेंगे, यंग लोग खुद की तरफ देखने का अलग नजरिया रखते हैं, हमारी जनरेशन हमारी तरफ देखने का अलग नजरिया रखता है। हम मोदी जी के बातों में फंस पड़े, शायद यंग जनरेशन इन बातों में न फंसे, शायद उनको कोई और रास्ता दिखे जो हमारी बूढ़ी आंखें देख नहीं पाती है। मैं जानता हूं कि जो विदर्भ की मूवमेंट मेरे दादाजी ने चालू की वो यदि सचमुच लड़ी जाएगी तो मेरे पोते लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ही लड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारी जनरेशन अब हमारे जीवन के शाम की ओर चल पड़ी है, अंधेरा साफ सामने दिख रहा है। आपकी जनरेशन है जिनके पीछे सूरज उग रहा है, पूरा आपके सामने का प्रकाश साफ दिख रहा है, ये मार्ग आपके लिए है, आपको इस पर चलना पड़ेगा। और यंग जनरेशन ने अगले चुनाव में सक्रिय भाग लेना पड़ेगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके इलेक्शन जीतान के देने तक का हर रोल यंग जनरेशन को पार करना होगा। आसान रास्ता नहीं है, लेकिन सबने इसी रास्ते पे चल के अपनी आजादी हासिल की थी। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे, बहुत बढ़िया वकालत थी उनकी अफ्रीका में। लोग सोचते हैं कि गांधी जी की वकालत कभी नहीं चली, ये गलत बात है। एक उदाहरण था, गांधी जी ने वकालत जब चालू की तो बंबई के हाईकोर्ट में चालू की, और पहली बार जब वो बहस करने को कोर्ट के सामने खड़े रहे तो वो उनके किताब में लिखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बोल के जो उनकी किताब है, बढ़िया किताब है, उस किताब में वो लिखते हैं कि जब मैं कोर्ट के सामने खड़ा हुआ मेरे को पसीना छूटना चालू हुआ, मेरे मुंह में सूखा पड़ गया, मेरे आंख के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बगैर एक लफ्ज बोले कोर्ट से भाग गया बाहर। लोग समझते हैं कि गांधी जी की वकालत चली नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी अफ्रीका में एक बहुत काबिल वकील हुआ करते थे, उनकी तीन तीन ऑफिसेस थी, सारे अफ्रीका में इंडियन ओरिजिन का सबसे बड़ा वकील समझे जाते थे। वो जब अफ्रीका छोड़ के भारत लौटे तब उन्होंने कहा था कि एक साल में भारत आजाद कर दूंगा, एक साल में। साहब उसके बाद भारत को आजाद होने 40 साल लगे, इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ती है, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वापस आने के बाद कांग्रेस को पॉलिटिकल स्वरूप किसी ने दिया तो महात्मा जी ने दिया, भले ही खुद वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देशव्यापी स्वरूप इस एक आदमी ने दिया। आपको आपका रोल उस तरीके से समझना जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपसू ने बीच बीच में चुनाव लड़े हैं, मैं जानता हूं गोरखालैंड ने भी चुनाव लड़े हैं, बोडोज ने भी चुनाव लड़े थे और बुंदेलखंड ने भी चुनाव लड़े हैं, विदर्भ भी एक वक्त चुनाव लड़के पार्लियामेंट में चार हमारे यहां से 60 एमपीज बैठते हैं, चार विदर्भ के थे और लेजिस्लेचर में 17 एमएलएज हमारे थे। उसके बाद वक्त ने करवट पलटी और हमारे नसीब भी खत्म हो गए। अब वक्त आया है कि वक्त फिर करवट पलटे और हम दोबारा जीत के वहां जाए। ये होने के लिए जो बदल आना है वो आपके हाथ से इसी साल आना होगा, क्योंकि 2018-2019 में जो इलेक्शन आएंगे उसमें आपके सामने दो साफ साफ कर्तव्य है, एक मोदी जी को हराना
भाजप को खत्म करना, ये सरकार को निकाल देना, और दूसरा कर्तव्य है खुद की सरकार बनाना, खुद सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद खुद का राज बनाना। जब तक आप अपना राज नहीं बना सकते तब तक आपकी समस्या नहीं खत्म होगी। जब आपका राज बनेगा तब पैसा आपका होगा, सिविल सर्विस आपकी होगी, कोर्ट्स आपके होंगे, पुलिस आपकी होगी, सारी सरकारी यंत्रणा आपकी होगी, और आप जो तय करेंगे वो काम आपके लिए पहले किए जाएंगे। यदि वैसा नहीं होता है तो आपको हक बनता है कि आपसे चुन के दिए नुमाइंदों को आप निकाल सकते हो। मैं हरदम कहता हूं यदि विदर्भ में सरकार होती और हमारे एमपी ने हमारी बात नहीं मानी रहती तो हमारे लोगों ने रोज सवेरे उसके घर पे जाके उसके दरवाजे पे धक्के देके उसको बाहर निकाल के दो लाते मारी रहती। क्यों? क्योंकि वो हमारा राज है, हमारा एमपी है, हमारा एमएलए है, हम चाहो जो कर सकते हैं। ये बात अब नहीं कर सकते जब मोदी जी के राज में आप उनके कंधे से कंधा लगा के बैठते हो। आपको पूरा साफ साफ विचार रखना होगा अपने दुश्मन कौन है और अपने मित्र कौन है। दुश्मन वो होता है जो खुद का स्वार्थ आपके हित पर पैर रख के हासिल करता है। आपका दुश्मन वो है जिसने खुद को बड़ा बनाने के लिए आपको छोटा बना दिया। ऐसे लोगों को दुश्मन कहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ता है। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप देश के अलग अलग हिस्सों से आए, आप बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी भारत से आए हैं, विदर्भ के लोग भी जो 500 लोग यहां पहुंच चुके हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। आप सबको बोडोलैंड के मेरे हिसाब से कितने 900 लोग आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी छोटे राज्यों से कम ज्यादा प्रमाण में लोग आए हैं, तभी भी टिपरालैंड से शायद 200-300 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, त्रिपुरा से 500 लोग आए हैं, और कर्बी आंगलांग और कुकी लैंड से कुछ कम संख्या में लोग आए हैं। गोरखास तो हाजिर है ही, दिल्ली में ही रहते हैं, गोरखास काफ़ी संख्या में आए। ये सब जन जिन्होंने आज राजघाट से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक मोर्चा निकाला, अच्छा शांति प्रदान की, जुलूस कैसे निकलना चाहिए ये दिखाया, इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट के हैसियत में मैंने सब घटक पार्टियों को रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी मुफ्त ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, टिकट लिए बिना दिल्ली नहीं आएगा। ये हमारी संपत्ति है, ट्रेन हमारी है, ये देश हमारा है, ये हमारे पुलिस है, ये हमारी सिविल सर्विस है, ये हमारी रेलवे है, इनको कुछ आंच नहीं पहुंचेगी। आज रास्ते का ट्रैफिक बंद नहीं होगा, आप कतार तोड़ के नहीं चलेंगे, बीच में कोई घुस गया तो उससे मारपीट नहीं करेंगे। ये मेरे को हमारे नागपुर के लोगों को 5-5 बार समझाना पड़ता है क्योंकि हम गर्म मिजाज के, हमारा खून बहुत जल्दी खौल जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा शांत है और वो बहुत